हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज। बस आई गेस 2 वीडियोस और एंड आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, पहले मैं उनके लिए बता दूं, इस पे मैं कोर्सेज लेके आती हूँ आपके JKSSB सुपरवाइजर एग्जाम के, JKSSB सुपरवाइजर। एंड इसमें हमारा जो स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है, स्पेशलाइजेशन वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसका सारा सिलेबस वाइज मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इनकम्प्लीट सिलेबस अपलोड किया है। करंटली हमारी मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है, प्लस हमारी MCQ सीरीज चल रही है। इन दोनों की सेपरेट प्लेलिस्ट जो है मेरी चैनल पे बनी हुई है। ठीक, एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इंडियन हिस्ट्री इस वीक हो जाएगा, कंप्यूटर्स भी आपका इस वीक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड स्पेशलाइजेशन पोर्शन में और ज़्यादा जो और आगे वीडियोज में लेके आऊंगी, जैसे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अलग एक वीडियो। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आप UPSC या State PSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस पे मैं सोशोलॉजी ऑप्शनल भी कवर करवा रही हूँ। तो नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी की सेपरेट प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उसमें हमारा UPSC का पेपर 1 कंप्लीट हो गया है एंड पेपर 2 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना होगा, एंड ये सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। फाइन, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स बिटवीन 1922 एंड 1930। तो इसमें हमने 3 मेजर चीजें देखी थी। एक हमारा स्वराज पार्टी था, खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, एक सैमन कमीशन एंड लाहौर कांग्रेस, तो ये दो हमारे हो गए थे। प्लस हमने रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के भी 2 फेजेस देखे थे, वो भी हमारा ओवर हो गया था। आज हमारा डिस्कस करने वाला रहता है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, एंड इसके बाद हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें क्या हुआ था, एंड आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, कोशिश करेंगे ये सारा हम आज के वीडियो में कंप्लीट कर पाए। देखते हैं लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। मैंने आपको बोला जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं उनके आपको प्रेसिडेंट वगैरह याद करने हैं, अदरवाइज सारे सेशंस के आपको जरूरत नहीं है याद करना। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस, ये कुछ 2-3 चीजों की वजह से ये सेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले देख लो, इनके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और एम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब पहली बार एम बनाया गया था पूर्ण स्वराज। इससे पहले सिर्फ स्वराज की बात होती थी, दैट मीन्स सेल्फ रूल अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात फर्स्ट टाइम कब हो गई, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में। दैट इज योर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज आगे फर्दर होने वाली हैं उसको बॉयकॉट किया जाएगा, बॉयकॉट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, पास द रेजोल्यूशन ऑफ स्वराज, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया जाएगा। और ये बोला गया 26 जनवरी जो है इट वुड बी ऑब्जर्व एज इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे। स्वराज डे या इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं तो स्वराज डे भी बोल जाता है। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है 26 जनवरी, 26 जनवरी कैसे रिलेटेड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, उस दिन क्या हुआ था, तो उसका जो डेट है एंड इवेंट है वो आप कमेंट्स में बताओगे। अब देखो, आपने मेरे कमेंट्स तो बहुत सारे किए होते हैं, जैसे जो भी मैं वीडियो लेके आती हूँ फिर कमेंट्स में आपने नेक्स्ट वीडियो की डिमांड करी होती है एंड ऑल दैट, लेकिन जो मैंने लेक्चर के बीच में क्वेश्चन पूछा होता है काफी कम लोग हैं जो उसको आंसर करते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर करना है 26 जनवरी जो है स्पेसिफिक डे अलोंग विद द ईयर। ठीक है, उस दिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। फाइन, तो ये हो गया आपका लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। उसके बाद INC ने क्या किया था, और इसी लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया था कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च्ड, फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी।
अब देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होती है बेसिकली, जिसमें आप जो सिविल लॉज हैं उनको ओबे नहीं करते हो, जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं आप उनको ओबे नहीं करते हो, ठीक है। तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है हमारी 1932 1934 चली, इसका एम क्या था? पूर्ण स्वराज, ठीक है। एंड मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या था? कि जो सिविल लॉज है उनको डिसोबे किया जाएगा, सिविल लॉज डिसोबेड, ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, और काफी चीजें इसमें भी नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड थी, कि बॉयकॉट वगैरह इस मूवमेंट में भी किया गया था, ठीक है। तो ये आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी। कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहा इसका? कोर्स ऑफ एक्शन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था, इट वॉज स्टार्टेड विद सॉल्ट सत्याग्रह। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शंस में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सॉल्ट सत्याग्रह जो है ये किस मूवमेंट से रिलेटेड है। सॉल्ट सत्याग्रह किस मूवमेंट से रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या किया गया था, डांडी मार्च भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या था, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से गांधी जी और उनके फॉलोअर्स निकले थे पैदल, ठीक है, ऑन फुट, और पहुंचे थे डांडी बीच। वहां पे उन्होंने सॉल्ट जो है उसको हैंड में लिया था, हैंडफुल ऑफ सॉल्ट उठाया था गांधी जी ने। एंड इससे क्या हुआ था, उन्होंने सॉल्ट लॉ जो है जो उन पे ब्रिटिश ने इम्पोज किया था उसको उन्होंने ब्रेक किया था, कि हम इंडियन जो है हम अपना सॉल्ट खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, ये उस चीज का सिग्नल था। तो जो डांडी बीच है ये कहाँ पे? गुजरात। और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स याद रख लो, सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च से निकले थे, 12 मार्च 1930 को ये निकले थे साबरमती आश्रम से, एंड ये डांडी बीच पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930, ठीक है, ये डेट्स याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 24 डेज का जो इनका ये मार्च है वो रहा था। अब सॉल्ट में बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, जो इंडियन सॉल्ट था उसको गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा टैक्स किया हुआ था, वो हाईली टैक्स था। वो क्यों कर रहे थे, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इम्पोर्ट कर पाए अपना सॉल्ट और यहाँ पे उसकी सेल करें। तो वो किस सॉल्ट को इम्पोर्ट करते थे, लिवरपूल सॉल्ट। तो सॉल्ट बाहर से लाना फिर यहाँ बेचना, उसमें उतने ज्यादा प्रॉफिट नहीं होते उनके एज कम्पेयर टू अगर वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर पाते डायरेक्टली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट ने थ्रू लॉज इन्होंने मोनोपोली जो है वो क्रिएट की ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, कि सिर्फ मैन्युफैक्चर कौन कर सकता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ना कि इंडियंस, ठीक है। और अगर किसी इंडियन को देखा जाएगा कि वो मैन्युफैक्चर कर रहा है सॉल्ट, तो उसको 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट उन्होंने उसके लिए डिक्लेयर किया था। इसीलिए सॉल्ट जो है वो इंडियंस नहीं बनाते थे, उसके पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, दैट मीन्स सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकता था। तो उसी एक चीज को ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया, ठीक है, डांडी मार्च जिसको बोलते हैं, क्योंकि साबरमती से लेकर डांडी तक, डांडी बीच तक वो पैदल चले थे, इस डेट से इस डेट तक लेके, ठीक है। तो सॉल्ट ये ब्रेक करना, ये एक चीज का सिग्नल था कि हमें अब क्या चाहिए, आजादी चाहिए, आपके लॉज हम नहीं मानेंगे। एंड सॉल्ट को क्यों इन्होंने कंसिडर किया, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो सारे यूज करते हैं ना, बिल्कुल बहुत ही बेसिक, एक बेयर मिनिमम चीजों में आती है, जैसे आपका रोटी, कपड़ा, मकान, बेयर मिनिमम चीजों में आता है आपका रोटी, ठीक है, उसमें सॉल्ट की जो है कंजम्पशन वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए सॉल्ट ऐसा है जो चाहे गरीब हो या अमीर हो हर कोई यूटिलाइज करता है। एंड उस चीज को टैक्स करना एंड उस पर फिर अपनी मोनोपोली क्रिएट करना जो था, ये काफी क्या था, एक्सप्लोइटेटिव एक्ट एक था जो ब्रिटिशर्स ने लाया था सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए और अपने गेन्स के लिए। तो इस चीज को गांधी जी ने रोकने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट डेट, सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी, ये सारा आप याद रखोगे। तो ये हुआ जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। फिर अदर पार्ट्स में भी ये जो सॉल्ट सत्याग्रह था अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, वहां पे भी परफॉर्म किया गया था। वो कहाँ कहाँ, वो कौन कौन सी जगह थी वो आप लिख लो। मद्रास रीजन में सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था अंडर राजगोपालाचारी, बेटी में मद्रास रीजन में
सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था किनके अंडर? राजा गोपालाचारी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये इस हिसाब से कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सॉल्ट सत्याग्रह और किस किस जगह हुआ था एंड किसकी लीडरशिप के अंडर हुआ था। तो राजा गोपालाचारी याद रख लेना, ये मद्रास रीजन में हुआ था सॉल्ट सत्याग्रह इनके अंडर। ठीक है, तो वहां पे कहां से कहां तक मार्च किया था? त्रिची, जो वेदरनियन, ठीक है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। फाइन, और दूसरी इंपॉर्टेंट जगह जहां पे सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था केरला में। ये किसके अंडर हुआ था? के कलपन, के कलपन। ठीक है, यहाँ पे कहाँ कहाँ से हुआ था? कैलिकट टू पोयन्यूर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप याद रखोगे सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड। एक तो आपको साबरमती डांडी याद रखना है और मद्रास रीजन अंडर राजा गोपालाचारी, त्रिची से लेकर वेदरनियन एंड केरला अंडर के कलपन, कैलिकट से लेकर पोयन्यूर तक। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। और आपका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो अब पाकिस्तान का पार्ट है, यहाँ पे क्या हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है, अंडर लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफार खान। खान इनने एक मूवमेंट चलाई थी जिसको बोलते हैं खुदाई खिदमतगार, खुदाई। तो ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस से महात्मा गांधी से, इनको फ्रंटायर गांधी भी बोला जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इस जो मूवमेंट खान अब्दुल गफार खान ने चलाई थी उसको खुदाई खिदमतगार बोलते हैं, और रेड शर्ट मूवमेंट, रेड शर्ट। ठीक है, जो खान अब्दुल गफार खान है इनको फ्रंटायर गांधी भी बोला जाता है क्योंकि काफी ज्यादा थे इंस्पायर्ड ये गांधियन आइडियल से, फ्रंटायर गांधी। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए याद करने वाला, खान अब्दुल गफार खान, फ्रंटायर गांधी किसको बोला जाता है, खान अब्दुल गफार खान उनकी मूवमेंट का क्या नाम था, खुदाई खिदमतगार और रेड शर्ट मूवमेंट। ठीक है, ये पहले फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। ठीक है, जो इंडियन नहीं थे लेकिन भारत रत्न अवार्ड इनको मिला हुआ है, तो ये भी अगर आप चाहे तो याद रख सकते हो, ऑल्दो हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। और अगर आपको पता है दूसरा कौन सा फॉरेनर है जिसको सेकेंड टाइम, फर्स्ट तो खान अब्दुल गफार खान को मिला, सेकेंड टाइम किनको मिला था भारत रत्न अवार्ड, अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे कमेंट्स में बताओ। बस साबरमती आश्रम वाले इस सत्याग्रह के बाद क्या हुआ था, दांडी मार्च के बाद गांधी ही वॉज अरेस्टेड। वो क्यों उनको अरेस्ट किया गया, कब अरेस्ट किया गया था? वाइल ऑन द वे टू परफॉर्म सॉल्ट सत्याग्रह, कहाँ पे? दरसाना सॉल्ट फैक्ट्री में। ये गवर्नमेंट फैक्ट्री थी, अब वो दरसाना में सॉल्ट सत्याग्रह करने जा रहे थे, दरसाना सॉल्ट फैक्ट्री। तो वहां पे उनको क्या करा गया था, उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन ये जो रेड है वहां पे जो सॉल्ट सत्याग्रह परफॉर्म करने जा रहे थे वो किसने कॉन्टिन्यू की फिर? वो कॉन्टिन्यू की थी सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू, इमाम साहेब एंड मनीलाल गांधी इनके बेटे ने। ठीक है, तो ये रेड आगे इन्होंने कंटिन्यू करी थी, ये सत्याग्रह सरोजनी नायडू, इमाम साहब एंड मनीलाल गांधी ने परफॉर्म किया था। सरोजनी नायडू में आप ये भी याद रख लेना, ये पहली गवर्नर थी यूपी की, फर्स्ट गवर्नर यूपी की। ठीक है, एंड ये नॉन वायलेंट हुआ था जो भी ये सत्याग्रह टाइप का हुआ था, एंड हेंस देयर वाज नो सप्रेशन। ठीक, इसीलिए गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात करते थे क्योंकि अगर आप नॉन वायलेंस में, नॉन वायलेंट रह के कोई काम करोगे तो सप्रेस करने के आगे से गवर्नमेंट के आपको चांसेस भी कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से भी वायलेंट करोगे तो गवर्नमेंट आपको डबल तरीके से सप्रेस कर सकती है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास वैसे सारे टूल्स भी हैं, वेपनरी भी हैं जो आपको आराम से सप्रेस कर सकें, जैसा कि हमने सारी वायलेंट मूवमेंट्स में देख लिया। उसके बाद क्या हुआ था, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी,
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स हैं उनकी, इससे ये भी पता चलता है कि ये जो मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट ऑल्सो शोज पार्शियल सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट, क्योंकि अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, ये बातचीत किन के बीच में होगी, जो इंडियन यहाँ फ्रीडम मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं आपके INC वगैरह, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिटिशर्स, उनके बीच में एक ऑफिशियल डिस्कशन होगा, उसको लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो सेटअप करी गई थी 1930 to 1932, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें इन्होंने कहा था हम डिस्कस करेंगे, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट लाई है, डिस्कस साइमन रिपोर्ट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज टू गिव पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडियंस, ठीक है, इसलिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सेट किया था। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है मिड थर्टीज में हुई थी, फर्स्ट RTC मिड 1930 में हुई थी। इसमें अब आपको क्या क्या याद रखना है, देखो INC जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इट डिड नॉट पार्टिसिपेट। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि INC ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें INC ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि जो गांधी जी थे वो जेल में थे, ठीक। अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें पार्टिसिपेट किया था उसमें आता है मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इंटरेस्ट क्लास एसोसिएशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, एंड INC ने पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया था। तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी कुछ खास इसमें रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया था, तो इससे क्या हुआ था, सबको पता चल गया था कि जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट यहाँ पे चल रही है उसको सबसे ज्यादा कौन रिप्रेजेंट करता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टेचर उनको इसके बाद पता चल गया था कि इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो कोई खास बातचीत इस मूवमेंट में नहीं हो पाई, फाइन। अब मैंने आपको कहा गांधी जी जेल में थे, अब अटेंड करने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गांधी जी को रिलीज किया गया था जेल से, एंड उसके बाद उन्होंने डिस्कशन किया था, एक ही हैड अ डिस्कशन विद सो कॉल्ड लॉर्ड इरविन, इन्होंने एक साथ डिस्कशन किया था विच लेड टू द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो कब ये साइन हुआ था, 5 मार्च 1931। तो गांधी इरविन पैक्ट से क्या बातें सामने आई थी, इन्होंने कहा था ठीक है हम सस्पेंड करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अभी स्टॉप नहीं करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, इसको बस सस्पेंड करेंगे, एंड वी विल अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये गांधी इरविन पैक्ट के कंक्लूजन्स थे। तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या करेगी, वो उनके लिए रिलीज करेगी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो नॉन वायलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे एंड जिनको अरेस्ट किया गया था, दैट मीन जिन्होंने कुछ ज्यादा ऐसा कुछ बड़ा क्राइम नहीं किया था, रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। थर्ड पॉइंट क्या था, गांधी और इरविन के बीच में क्या साइन हुआ था, जो भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु है जिनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट किया गया था, कहा था इनको हैंग करेंगे, एंड गांधी जी ने भी इस बात पे अग्री किया था, ठीक है, क्योंकि वो नॉन वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जिसके अगेंस्ट गांधी जी थे, तो उन्होंने कहा था ठीक है फॉर द ग्रेटर कॉज, उन्होंने ये उनको हैंग करने का जो परमिशन थी या परमिशन या डिस्कशन बोल लो गांधी और इरविन के बीच में, उसको ओके कर दिया था। एंड सब्सिक्वेंटली 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी हुई थी, ठीक है, 23 मार्च 1931। अकॉर्डिंगली अब क्या होना था, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, सस्पेंड कर दिया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और उन्हें कहा था हम अटेंड करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और इन दो चीजों को, एक तो रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो नॉन वायलेंट एक्टिविटीज या जिन्होंने सिर्फ सिविल लॉज ब्रेक किए हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा, एंड हैंग करेंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुई मिड 1931 में, ये INC ने अटेंड की, इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड
सेकेंड, गांधी जो थे ही वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव आईएनसी, मतलब आईएनसी की तरफ से सिर्फ गांधी जी ही गए थे। अदर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो अटेंडेड, जैसे हमने पहले देखा मुस्लिम लीग प्लस हिंदू महासभा डिप्रेस क्लास एसोसिएशन प्लस आपके आईएनसी, तो अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उनने भी इसको अटेंड किया था, उन्होंने भी अटेंड किया था। थर्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया था इसमें, देखो मैंने आपको बोला था मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में हमने कहा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाए गए थे जहां मुस्लिम्स जो है मुस्लिम्स के लिए वोट कर सकते हैं, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की थी। ऑल दो इंडियंस खासकर जो गांधी जी हैं वो इस चीज इस आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आओ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस चीज से क्या होगा, हमारी जो यूनिटी है वो ब्रेक हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं सही भी है। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्सटेंड सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम टू डिप्रेस्ड क्लासेस। अब देखो गवर्नमेंट भी क्या चाल चल रही है, वो इनको बुला रही है, ठीक है, वो इनको डिस्कशन के लिए बुला रही है कि हम आपको पॉलिटिकल कंसेशन देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने नर्व पकड़ ली थी अब इंडियंस की, उनको पता था कि किस बात पे जो इंडियंस हैं उनमें यूनिटी नहीं होगी और किस बात पे टॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन करेंगी। तो यहाँ पे टॉक्स ब्रेक डाउन हो गई क्योंकि जो गांधी जी है वो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर टू डिप्रेस क्लासेस उसको सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आपके बी आर अम्बेडकर जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि वो खुद जो है इस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे डिप्रेस क्लास कम्युनिटी को, तो वो इस चीज से बिल्कुल अग्री करते थे कि हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट दो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी क्या थी, वो कहते थे इनको जो डिप्रेस क्लासेस के हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनको अलग रिजर्वेशन हमें देनी चाहिए, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमें लेके आने चाहिए जो डिप्रेस क्लासेस है। लेकिन गांधी जी है जैसे वो हरिजन को चिल्ड्रन ऑफ गॉड वगैरह कहते थे, तो उनको था कि अगर हम उनके लिए कुछ ऐसे अलग लेके आएंगे तो हो सकता है हमारी, अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आएंगे डिप्रेस क्लासेस को, तो जो इंडिया की यूनिटी है वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस बात पे गांधी जी ने अग्री नहीं किया जब ये पॉइंट रेज किया गया, तो गांधी जी जो है ही केम बैक, ही रिटर्न बैक एंड लैंडेड एट बॉम्बे, और उन्होंने क्या किया, ही रीस्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे इन टॉक्स का कोई फायदा नहीं हुआ ना, और पहले क्या किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सिर्फ सस्पेंड किया गया था और ना कि कंप्लीटली उसको कॉल ऑफ किया था, ठीक है। तो इन्होंने रीस्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड इनको फिर से अरेस्ट कर दिया गया था, सो ही वॉज अरेस्टेड एंड इनको पुणे में यरवडा जेल में रखा गया था, यरवडा जेल। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट नाम है एक आपको याद रखने वाला, ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो बात है वो कई लाई थी सामने की, डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड। तो ये नाम आप याद रखोगे क्योंकि इसको बोला जाता है इन्होंने कम्युनल अवार्ड वाला सिस्टम लाया, रामसे मैकडोनल्ड। तो क्या लाया इन्होंने, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, कम्युनल अवार्ड, यही जो आप सेपरेट इलेक्टोरेट किन के लिए लेके आ रहे हो, डिप्रेस क्लासेस के लिए लेके आ रहे हो। तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट क्या किया, फास्ट अनटू डेथ, कि वो इस चीज को रोकना चाहते थे किसी भी हालत में, फास्ट अनटू डेथ इन यरवडा जेल, ठीक है, यरवडा जेल में ही उन्होंने फास्ट कर लिया इसके अगेंस्ट। तो फाइनली क्या हुआ, अब एक कोई अब किसी एक कंक्लूजन पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि अंबेडकर जी जो थे डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, वो कहते थे कि रियलिटी ये नहीं है, हमें कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ऐसी सारी चीजें या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन डिप्रेस क्लासेस के लिए लेके आनी होगी, इसीलिए वो बिलीव करते थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पे, कि कास्ट को खत्म करो। एंड जो आपके गांधी जी हैं वो ऑल दो ये जो अब मैंने आपको स्पेशलाइजेशन में जो पढ़ाया है वर्ण फ्रेमवर्क कास्ट फ्रेमवर्क, वो उसके अगेंस्ट नहीं थे, जो वर्ण फ्रेमवर्क में फोर फोल्ड डिवीजन होते हैं सोसाइटी के हमने स्पेशलाइजेशन में पढ़ा है, वो इसके अगेंस्ट नहीं थे, बस ये जो कास्ट सिस्टम की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं सोसाइटी में, जो रिलीजियस सैंक्शन नहीं है कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, उसके अगेंस्ट ये थे, ठीक है। तो ये किसी को नीचे या किसी को ऊपर वो नहीं मानते थे, लेकिन जो ओवरऑल वर्ण फ्रेमवर्क है जिसने सोसाइटी को चार हिस्सों में डिवाइड किया था, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र, उससे ये अग्री करते थे। इस वजह से जो अंबेडकर गांधी जी हैं इनकी कभी आपस में नहीं बनी, इनकी आइडियोलॉजी जो है वो मिलती नहीं थी, लेकिन ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के रस्ते में एक बहुत बड़ा आप बोलो कि हर्डल था,
क्योंकि दो इम्पोर्टेंट फिगर्स आपस में जो है वो बिल्कुल ही ये उनकी आइडियोलॉजीज जो है वो सिमिलर नहीं है। इस वजह से क्या किया गया, इनके बीच में थोड़ी मीडिएशन वगैरह कराई गई, इनको समझाया गया दोनों को कि आप दोनों को इंडिया के हक में अगर बात करनी है तो यूनाइटेड रह के करनी होगी, आपस में भी अपनी डिफरेंसेस जो है आप लोगों को सॉल्व करनी होगी। एंड अकॉर्डिंगली क्या हुआ था, साइन हुआ था पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, ठीक है। तो ये किसके बीच में हुआ था, बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी, बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी, ठीक है। तो इन्होंने क्या, इसमें क्या फाइनली डिसाइड हुआ था, जो डिप्रेस क्लास पीपल हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन फर्दर जब इलेक्शंस होंगे, ठीक है, इस बात पे चलो अब अंबेडकर अग्री हो गए, ठीक है, नो सेपरेट इलेक्टोरेट, कि हम इस बात पे अग्री नहीं करेंगे, नो सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन अब इनको भी कुछ कंसेशन चाहिए थे। तो गांधी जी ने कहा जब फर्दर आगे इलेक्शंस होंगे आप लोगों के लिए, डिप्रेस क्लासेस जो भी है उनके लिए हम सीट्स रिजर्व रखेंगे, ठीक है। तो उस बात पे गांधी जी अंबेडकर भी अग्री हो गए, गांधी जी फाइनली इनके बीच में पैक्ट साइन करवाया गया जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी आपकी मिड 1932 में। इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट। जो बाकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हैं दे वर ऑल्सो इन्वाइटेड इन ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, उनको भी, प्रिंसली जो राजा महाराजाओं के अंडर जो स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इन्वाइट किया गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में। फाइन, इसमें भी कुछ खास हमें आगे देखने को नहीं मिला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जो इम्पोर्टेंट था वो दो तीन पॉइंट्स, जो पांच छह पॉइंट्स हैं वो आप याद रखोगे जो मैंने आपको बताया। प्लस आप इसमें याद रखोगे कौन से ऐसे फिगर थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, दैट इज योर बी आर अम्बेडकर। इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। आई गेस यहाँ पे हम लेक्चर स्टॉप करते हैं, आगे हमें पढ़ने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस लाई थोड़ी बहुत, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे 1939 टू 1945, ठीक है। और उसके साथ हमारा जो इंडिपेंडेंस वाला ये है वो ओवर हो जाएगा। आई गेस टू मोर वीडियोज लगेंगे जिसमें आपका ये सारा सिलेबस ओवर हो जाएगा, ठीक है। एक बारी क्विक रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस से हमने स्टार्ट किया, प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू, एम थी इनकी पूर्ण स्वराज, स्टार्टिंग से ही इनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में, कि हम बॉयकॉट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो लंदन में होने वाली थी, ठीक। 26 जनवरी को इन्होंने ऑब्जर्व किया एज इंडिपेंडेंस डे, स्वराज डे, और कंप्लीट एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी लॉन्च, ये डिसाइड हुआ था लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में। फिर आया आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934, इसका एम क्या था, पूर्ण स्वराज। अब आने वाले जितने भी इवेंट होंगे अब एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही डिमांड करेंगे, एंड ना कि सिर्फ स्वराज, जिसको हम सेल्फ रूल अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या रहेगा, सिविल लॉज को डिसोबे किया जाएगा, सिविल लॉज, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड नॉन कोऑपरेशन, दैट इज योर बॉयकॉट। कोर्स ऑफ एक्शन सॉल्ट सत्याग्रह, ये कहाँ पे हुआ, उसको डांडी मार्च भी बोलते हैं, ये कहाँ हुआ था, साबरमती आश्रम टू डांडी बीच गुजरात में, वहां से पैदल चले थे गांधी जी, और उन्होंने क्या किया था, हैंडफुल ऑफ सॉल्ट हाथ में लिया था, दस ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ क्या था, कि जो मोनोपोली है सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने की वो सिर्फ किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। तो इसमें डेट्स आपको याद रखनी है, 12 मार्च 1932, 6 अप्रैल 1930, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको सॉल्ट का बताया था। उसके बाद अदर पार्ट जहां पे सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, मद्रास रीजन एंड केरला में, मद्रास में हुआ था राजगोपालाचारी त्रिची टू वेदरनियन तमिलनाडु, एंड केरला में के कलपन के अंडर हुआ था कैलिकट टू पोयन्यूर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है एमसीक्यूज काफी आते हैं सॉल्ट सत्याग्रह से। फिर NWFP अंडर लीडरशिप ऑफ, NWFP में भी ये सारे स्ट्रगल्स हुए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफार खान, इनकी मूवमेंट को खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट भी बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी भी इनको बोलते हैं, पहले फॉरनर जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाई गांधी एंड आइडियल्स। फिर दरसाना सॉल्ट फैक्ट्री, गांधी जी अब साबरमती आश्रम के बाद वो दलसाना सॉल्ट फैक्ट्री में जा रहे थे, वहां पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, लेकिन उनको रास्ते में अरेस्ट किया था। तो ये जो सॉल्ट फैक्ट्री की रेड थी ये किसने कंटिन्यू करी थी, सरोजनी नायडू ने, जो पहली गवर्नर थी यूपी की, इमाम साहिब एंड मनीलाल गांधी उनके बेटे ने। तो दरसाना सॉल्ट फैक्ट्री में अब इनको आप सिम कार्ड करके याद रख सकते हो, सिम,
सरोजनी नायडू, इमाम साहब एंड मनीलाल, ये नॉन वायलेंट, तो हेंस देयर वाज नो सप्रेशन। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे 1930 से लेकर 1932 के बीच में। उनमें इनने क्या कहा था, हम साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे एंड कुछ पॉलिटिकल कंसेशंस दिए जाएंगे। तो गांधी ने ये जो मिड 1930 में हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो कोई खास टॉक्स, कोई कंक्लूजन इसमें नहीं आया था सामने। फाइन, तो इससे क्या पता चला, स्टेचर पर पता चला था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि अगर ये नहीं होगी तो कोई अच्छे टॉक्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रिप्रेजेंट करता है इस टाइम पे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन, इसने पार्टिसिपेट किया था। फिर डिस्कशन हुआ था लॉर्ड इरविन के साथ, क्योंकि गांधी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ खास रिजल्ट सामने नहीं आया था, तो उन्होंने कहा, सोचा था कि एक डिस्कशन गांधी जी के साथ होना काफी जरूरी है, विच लेड टू द गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को, और उसके क्या कंक्लूजन थे, सस्पेंड करो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड आप जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करो। जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो नॉन वायलेंट एक्टिविटीज है, जिन्होंने सिर्फ सिविल लॉज ब्रेक किए हैं ना कि क्रिमिनल लॉज, आप उनको रिलीज करो एंड 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को फांसी दे दो। एंड इस गांधी इरविन पैक्ट पे गांधी जी ने भी अग्री किया था कि हाँ ठीक है, इनको आप फांसी दे दो। वो किस केस में हुआ था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मिड 1931 में हुई थी, आईएनसी ने अटेंड किया था, बाकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अटेंड किया था, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट ने एक चाल चली, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात फिर से करी एंड कहा इस बार हम इसको एक्सटेंड करेंगे टू डिप्रेस क्लासेस। उनको गांधी की आइडियोलॉजी का पता था कि गांधी जो है वो इस सेपरेट इलेक्टोरेट के सही के सख्त खिलाफ है, ठीक है। तो अंबेडकर ऑल्दो अग्री करते थे इस चीज से कि सेपरेट इलेक्टोरेट लाओ, लेकिन गांधी जी नहीं करते थे। तो यहाँ पे टॉक्स अगेन ब्रोक डाउन, कोई ऐसे नतीजा सामने नहीं आया, गांधी जी वापस आ गए बॉम्बे और उन्होंने रीस्टार्ट की, कहा कि रीस्टार्ट करो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन उनको अरेस्ट कर दिया गया एंड हियरवडा जेल में उनको डाला गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट से आपको याद रखना है, पीएम राम से मैकडोनल्ड जो है उनको कम्युनल अवार्ड उन्होंने दिया बोला जाता है। वो क्या कम्युनल अवार्ड है, वो यही सेपरेट इलेक्टोरेट है, ठीक है, जो किसको उन्होंने कहा था एक्सटेंड करेंगे टू डिप्रेस क्लासेस। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ की बात करी, ठीक है, उन्होंने कहा ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो है आप इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। सिंस गांधी एंड अंबेडकर जो है उनकी आइडियोलॉजी इस कास्ट को लेके बिल्कुल अलग है, तो उनके बीच में थोड़ी एक जो है मीडिएशन की गई एंड अकॉर्डिंगली पूना पैक्ट साइन हुआ। पूना पैक्ट, अगर आप बोलो अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पूना पैक्ट किस चीज को लेकर साइन हुआ था, पूना पैक्ट साइन हुआ था जो सेपरेट इलेक्टोरेट हम डिप्रेस क्लासेस को भी एक्सटेंड करेंगे, उस चीज के रिगार्डिंग पूना पैक्ट साइन हुआ था। किन के बीच में, अंबेडकर एंड गांधी के बीच में, और उन्हें अग्री किया था ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस क्लासेस हमें नहीं चाहिए, लेकिन उसके बदले में गांधी ने अश्योर करवाया था अंबेडकर को कि आपको आगे जो भी हमारे इलेक्शन वगैरह होंगे, फाइन, हम क्या करेंगे, हमें कुछ सीट्स रिजर्व रखेंगे आपके जो डिप्रेस क्लासेस हैं, सो कॉल्ड डिप्रेस क्लासेस, उनके लिए अलग सीट्स हम यहाँ से ही रिजर्व रखेंगे, लेकिन आप सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाओ। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मिड 1932 में हुई, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको क्या कर दिया गया, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इन्वाइट किया गया था सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में, और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मिस होगी, 1931 में क्या हुआ था, कराची सेशन हुआ था, कराची सेशन ऑफ 1931, उसके प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें रेजोल्यूशन पास किया गया था फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे, ठीक है। तो ये नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड फंडामेंटल राइट, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रख लेना। एंड गोल ऑफ पूर्ण स्वराज, अगेन जैसे मैंने कहा, इसके आगे लाहौर सेशन के बाद जो भी मीटिंग्स हुई उसमें पूर्ण स्वराज को ही गोल रखा गया एंड एंडोर्स किया गया गांधी इरविन पैक्ट को, कि हाँ ये जो पैक्ट है ये ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। तो ये कराची सेशन 1930 का ये भी याद रख लेना, रेजोल्यूशन पास किया गया था फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पे, पूर्ण स्वराज अगेन रिएटरेट किया गया था यही हमारा गोल है, एंड गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था कि हाँ गांधी इरविन पैक्ट जो है वो सही है। तो यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं, अब आगे 1935 का पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद 1939 टू 1947 थोड़ा अब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं लेके जाऊंगी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि अब आगे क्या हुआ, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में होने वाला था वर्ल्ड वॉर टू होने
वाला था उसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली जो है इंडियन हिस्ट्री पे देखने को मिलेगा। थोड़ा कंसेप्चुअल आपको बताती हूँ ताकि फैक्ट्स आपको रटने में ईजी हो जाए। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, फैक्ट्स ही रटने हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो वही कोशिश करती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, साथ में आप फैक्ट्स मेमोराइज करते रहो। टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।